लिए ईसाइयों में हमारा डाट ठीक नहीं, इसीलिए हम उसको हम बिल्कुल दबाए रखे नियंत्रित कर रहे। ठीक बात सही, बहुत आवश्यक है भावा, समय का सार्थक बनाना है, समय का उसके बाद सदुपयोग करना बनता है, ठीक है ना? ठीक है ना? यदि अपन इस समय में अध्ययन के पक्ष में हैं, उसमें समय को सार्थक बनाया जाए, अध्ययन में अधिकार होता है, अध्ययन का मतलब है अधिकार होना, अध्ययन का मतलब ही अधिकार होना, अधिकार अधिकार नहीं है, अधिकार के पहले केवल सुन रहे हैं। ओहो अच्छा अच्छा, देखिए वहाँ मतलब अब थोड़ा सा बाबा इसकी हवा लग रही है, क्यों आप गुस्सा हुए है ना? अगर मैं ये कहता हूँ अधिकार नहीं है, मतलब कि आप आपका प्रभाव ही नहीं छू पा रहा है मुझे, है ना? उस वो हो जाता है क्योंकि सहस्त्र में ही अध्ययन हो रहा है। देखो आप ठीक कह रहे हो एक बात, हाँ उसमें तो तत्काल होता है, उसके बाद हम ठीक समझे, हाँ हाँ ये अधिकार, हाँ हाँ ठीक आप ठीक कह रहे हो, तब हाँ, तक सुनना हुआ, हाँ हाँ है ना, कहने का मतलब है सुनना, हाँ हाँ ठीक यहाँ हाँ, तक ठीक हो गया, हाँ समझे का मतलब है प्रमाण करने योग्य, प्रमाणित करने योग्य हो, हाँ हाँ इतना ही अंतर, ठीक है ये अधिकार, ये अधिकार प्रमाणित करने योग्य हुए माने अधिकार हो गए, प्रमाणित करने योग्य हुए मतलब अधिकार हो, नहीं तो सुन रहे हैं, नहीं तो सुन रहे, ठीक है क्या हाल है? ठीक बात है, ठीक है ना? ठीक शुभ, बगली भी नहीं है इसमें, हाँ बाबा बिल्कुल यहीं पे जम के बैठेंगे जब तक आप समझा, मतलब हम समझ नहीं जाएंगे, सही बात, उसी उद्देश्य से आए हो, ठीक बिल्कुल, उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा तो क्या मतलब, ठीक तो है, सीधा बात है, सीधा बात तो यही बात, ठीक हरे हर, डांटना भी नहीं है, आप लोग डांट को सहने योग्य नहीं है मेरे मूल्यांकन में, अभी क्या है उसकी जरूरत भी नहीं, स्नेहल विधि से ही सारे बात होता है, तो करके लिए डांट, ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, ये अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, जब वो नहीं होता है तो तब डांट के, ठीक है, किसी भी तरह नहीं छोड़ते।